हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 2024 का हिंदी का वायरल पेपर मिल चुका है। फ्रेंड्स, जब आपको हिंदी का पेपर मिलेगा तो इसमें बगल में लिखा रहता है पूर्णांक, आपका पेपर जो होगा टोटल कितने नंबर का आएगा, 70 नंबर का आएगा। और जो पेपर को हल करने के लिए जो समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। फ्रेंड्स, जब आपको पेपर मिलेगा तो इसके सबसे ऊपर यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा होता है, जहाँ पे आपके प्रश्न पत्र पर जो रोल नंबर रहेगा उसको लिखना रहता है और यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे। फ्रेंड्स, जब आपको पेपर मिलेगा तो यहाँ पे कुछ निर्देश और कुछ नोट दिया रहता है, इसको आपको पढ़ना रहता है। देखिए, ये नोट में आया कि 15 मिनट जो होता रहता है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, कि 15 मिनट तक प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसके निर्देश दिए रहते हैं, इस निर्देश को आपको दिखा देते हैं। इन निर्देशों को आप एक बार पढ़ लीजिए, इसके कुछ सामान्य निर्देश इसको पढ़ लीजिएगा। इस निर्देश में बस यही है कि इसमें 2 खंड है। देखिए, यहीं पे बता देते हैं कि इसमें 2 खंड है। खंड अ है जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, इसको करना है। खंड ब जो होता है उसमें वर्णात्मक प्रश्न रहता है जो 50 नंबर का आएगा, ठीक है। यही आपको लिखा, इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए, आपको सीधे प्रश्न आपको हल करके बताते हैं कि कैसा प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है खंड अ, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक एक एक नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन को फ्रेंड्स ध्यान से देख के पढ़िएगा। देखिए क्या है, केवल ऑप्शन, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। दूसरा ऑप्शन है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकारक हैं, या त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, या अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए कि जो इसमें से आपका सही कथन होगा उसे ही आपको निशान लगाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, ये कथन यहाँ पे सही है, जबकि ख ग और घ ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकारक ये गलत कथन है। फिर इसके बाद ये है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक, ये भी गलत है। अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद जी, यह भी कथन गलत है। तो आपको कौन सा कथन सही है, तो क वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखिए, आपका दूसरा नंबर का सवाल क्या है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, माने घुमक्कड़ शास्त्र का लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़िएगा, मोहन राकेश, राहुल सकृत्यायन, डॉक्टर धर्मवीर भारती या अज्ञे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये प्रश्न कई बार करवाए हैं कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। तो घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक है राहुल सकृत्यायन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगला नंबर का प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर का, ठूठा आम किसकी रचना है, ठीक है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के ही आप ट्रिक लगाइएगा, आपको इन प्रश्नों को OMR सीट पर ही भरना रहता है, ठीक है। इसलिए पहले आप ध्यान से इस प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए, ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ठूठुआ आम जो है फ्रेंड्स, ठूठुआ आम किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय की है। इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है प्रश्न आपका, कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए कि जय प्रकाश भारती का है, धर्मवीर भारती का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या प्रताप नारायण मिश्र का। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जो हैं जय प्रकाश भारती जी हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि जय प्रकाश भारती ने पानी में चंदा और चांद पर आदमी लिखा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पांचवा नंबर का, हिंदी की प्रथम कहानी है, आपको हिंदी की जो प्रथम कहानी है कौन सा है। ऑप्शन है कफन है, ममता है, इंदुमती है या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की प्रथम कहानी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि हिंदी की प्रथम कहानी जो है आपका क्या है, इंदुमती है। इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, इंदुमती है। अगला सवाल देखिए, छठवां नंबर का क्या है आपका, कि अंजलि काव्य के रचयिता है। यहाँ पे बताने कि जो अंजलि काव्य इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन है वियोगी हरि है, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर जी है या राम नरेश त्रिपाठी है। तो फ्रेंड देखिए, छठवां नंबर का जब सही जवाब आपका होगा राम कुमार वर्मा, यानी राम कुमार वर्मा ने अंजलि को लिखा है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, सातवां नंबर का सवाल क्या है आपका, हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं, धर्मवीर भारती हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, अज्ञेय हैं या इनमें से
कोई नहीं। तो हरी घास पर क्षण भर जो लिखे अज्ञे जी ने लिखा है, इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला नंबर का सवाल देखिए, वीर गाथा काल के कवि हैं, इसमें से बताइए कि कौन सा आंसर आपका सही होगा, कि वीर गाथा काल के कवि कौन है, भूषण, केशवदास, चंद्रबरदाई या घनानंद। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका आपका सही जवाब होगा कि चंद्रबरदाई, यानी वीर गाथा काल के जो कवि हैं चंद्रबरदाई जी हैं, तो इसका सही जवाब ग वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखिए, नौवां नंबर का, कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है, यानी परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है। ऑप्शन है अज्ञे जी हैं, दिनकर जी हैं, नगेंद्र हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ख वाला, कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक दिनकर जी हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवालों को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, सभी प्रश्न फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए, इन प्रश्नों को हल करके आपके बोर्ड के एग्जाम में जाना है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिए आप। देखिए आपका पहला नंबर का सवाल क्या है, आपका यहाँ पे दसवां नंबर का देख लीजिए, कि आंसू के रचनाकार हैं। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए कि आंसू के रचनाकार कौन हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका सही जवाब आपका होगा कि आंसू के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसका सही जवाब घ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, हास्य रस का अस्थायी भाव। यहाँ पे हास्य रस और करुण रस, इन दो रसों को आप जरूर पढ़ के जाएगा कि इसका अस्थायी भाव क्या है। यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, हास्य, शोक, भय, रुद्र। तो हास्य रस का जो अस्थायी भाव है हास्य है, तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी को पता होगा कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है, हास्य, ठीक है। अगला बारहवां नंबर का देखिए, उपमा के कितने अंग होते हैं। ऑप्शन है चार को होगा, पाँच, छः, सात। तो आपको बताना है कि जो उपमा है उपमा के कितने अंग होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उपमा के आपके चार अंग होते हैं, तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उपमा के चार अंग होते हैं। अगला प्रश्न जो है, रोला में कितने चरण होते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछता है बोर्ड के एग्जाम में कि रोला में कितने चरण होते हैं। ऑप्शन है दो होगा, चार होगा, छः होगा या आठ होगा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा और आप सभी को पता भी होगा रोला में कितने चरण होते हैं। तो रोला में चार चरण होते हैं, इसका ऑप्शन ख वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चौदह नंबर का, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है कि वी, मान, अक, आ। तो फ्रेंड्स देखिए, उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द दिया रहता है उसके प्रारंभ में कौन सा अक्षर या शब्द जुड़ा है वही उसका क्या कहलाता है, उपसर्ग होता है। तो आकर्षण में देखेंगे तो आ जुड़ा है ना, यहाँ उपसर्ग क्या हो जाएगा, आ। इसका सही जवाब घ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर, पंद्रहवां नंबर का क्या है आपका, शताब्दी में कौन सा समास, आपको समास भी पढ़ के बोर्ड के एग्जाम में जाना है। ऑप्शन है द्विगु होगा, कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा या द्वंद्व होगा। तो फ्रेंड देखिए, इसका सही जवाब आपका होगा द्विगु। क्या होगा, द्विगु। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष जो होता है ना, 100 वर्ष जब होता है तो उसे शताब्दी बोलते हैं। तो शताब्दी में कौन सा समास है, द्विगु समास है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे तिरंगा हो गया, तिरंगा भी आपका क्या हो, द्विगु समास के अंतर्गत आता है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर देखिए, सुलामा का क्या है, रात का तत्सम होगा। ऑप्शन है रात्रि, निशा, दिन या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, रात का होता है तत्सम, जो होता है तत्सम मतलब अशुद्ध रूप ना, तो रात का तत्सम होगा रात्रि। इसका सही जवाब क्या होगा, क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रात का रात्रि होता है, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर के सवालों को देखते हैं। देखिए अगला नंबर का सवाल क्या है आपका, तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या बताने, पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। ऑप्शन पहले ध्यान से पढ़ के ही ऑप्शन को लगाइएगा, ताभ्य होगा, ताभ्याम, तयो या ता भी। तो देखिए इसमें से आप देखेंगे, आप यहाँ पे ध्यान से लगाइएगा, क्या है, तद का। तो यहाँ पे होगा पंचमी विभक्ति और बहुवचन के रूप में ताभ्य होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 18 नंबर का सवाल क्या है आपका, कि वाक्य क्या वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है, उस ऑप्शन ध्यान से देखिए, विधेय कहेंगे, पदक्रम कहेंगे, शब्द कहेंगे या जिज्ञासा कहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विधेय कहते हैं। तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर का देखिए, 19 नंबर का सवाल क्या है आपका, जब वाक्य की क्रिया के लिंग
वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है तो उसे क्या कहते हैं। फ्रेंड्स वाक्य को ध्यान से पढ़िए कि जब वाक्य की जो क्रिया होता है इसका जो लिंग हुआ वचन हुआ और पुरुष हुआ वो कर, यहाँ पे शब्द को ध्यान दीजिए, कर्म के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार पूछ रहा है। इसका सही जवाब क्या है, देखिए कर्म है ना तो क्या हो जाएगा यहाँ कर्मणि हो गया, क्या होगा कर्मणि, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा क वाला ऑप्शन सही होगा, क्या होगा कर्मणि। ठीक है, यदि कर्ता के अनुसार कहता है यहाँ पर क्या होता कर्तरी प्रयोग होता, कर्तरी प्रयोग होता, समझ में आ गया ना, कर्ता देखिए कर्म है तो कर्मणि हो जाएगा, यदि यहाँ पर कर्ता लिखा रहता ना कि कर्ता के अनुसार कहता तो कर्तरी हो जाता, समझ में आ गया ना। इन दोनों को यदि पूछेगा प्रश्न तो कैसे लगाना है ऑप्शन को। अगला और लास्ट देखिए बहुविकल्पी में कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता उन्हें कहते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया ना। यहाँ पे 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे और आप यदि करेक्ट करते हैं तो 20 में से एक नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है। चलिए अब देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में वर्णात्मक प्रश्न कैसे आने वाला है। देखिए खंड ब रहेगा यहाँ पर वर्णात्मक रहेगा, वर्णात्मक जो प्रश्न है आपके बोर्ड के एग्जाम में 50 नंबर का आने वाला, ठीक है, कितने नंबर का 50 नंबर का आने वाला है, तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका जो यहाँ पर पहला सवाल है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीन प्रश्न का उत्तर देना है, 3×6 यानी कितना नंबर का रहेगा, 6 नंबर का ये प्रश्न है। आपको ये गद्यांश दिया है, गद्यांश में से यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे दिया रहेगा तीन प्रश्न, पहला तो यही गद्यांश में रहेगा कि गद्यांश का संदर्भ हमेशा आपको ये प्रश्न पूछता है, संदर्भ लिखना रहता है, और इसके बाद है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और इसके अलावा है कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यकता है। तो इस प्रश्न को पहले आप गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और इस प्रश्न को आप तैयार करके ही बोर्ड के एग्जाम में देने जाइएगा, ठीक है, ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा पूरा आधा, या ये प्रश्न आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसके अलावा अथवा में नीचे भी दिया रहता है, देखिए अथवा में क्या दिया है ध्यान से देखिए, यदि ऊपर वाला प्रश्न आ रहा है ठीक नहीं आ रहा है तो अथवा लिखेंगे और इस पूरे गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद इसमें भी आपसे तीन प्रश्न पूछा होगा। पहला है कि आपका गद्यांश देखिए यहाँ पे देख लीजिए क्या प्रश्न है कि गद्यांश जो होगा उसका संदर्भ तैयार करके जाइएगा, फिर रेखांकित जो ये रेखांकित यहाँ से किया है ना कि जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निसाचियों और कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित किया गया है ना, तो इसके क्या कर रहा है गद्यांश रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करके बोर्ड के एग्जाम में जाना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, हमें किस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो इसमें से आपको यदि गद्यांश को पढ़ेंगे ध्यान से आप इसका आंसर इसी प्रश्नों में से आप हल करके बोर्ड के एग्जाम में दे लेंगे, इस प्रश्न को तैयार करके आप जाइएगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो है दूसरा, ये दूसरा नंबर का प्रश्न है जो आप 3×2 यानी कि 6 नंबर का आएगा, कितने नंबर का 6 नंबर का आएगा। इसमें भी देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, दिए गए पद्यांश, अब देखिए ऊपर था गद्यांश अब है आपको पद्यांश, पद्यांश पर आधारित तीन प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। देखिए अब ध्यान से पढ़िएगा, अविगत गति कछु कहत आवे जो गए गए मीठे फल को रस, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा दो गए है भावे, यहाँ से देखिए चलिए आप पूरा प्रश्न दिखाते हैं। देखिए अब ये अथवा में वाला प्रश्न आ रहा तो ठीक है, नहीं तो ये अथवा में रहेगा आपका कि मेरी भाव बाधा हरे राधा नागरी सोई जन तन की झाई प्रय श्यामु हरिदूती होई। देखिए इसमें क्या करना है कि आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और पद्यांश में बिहारी ने किसकी स्तुति को प्रस्तुत किया है इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर का यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट होता है, तीसरा नंबर का देखिए, तीसरा नंबर का है ये आपका 5 नंबर का रहेगा। देखिए क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है। आप इस प्रश्न को पढ़ के देखिए, ये बार बार आपके पेपर में आया, 2023 के पेपर में आया था ये प्रश्न, देखिए 2024 के पेपर में भी यही प्रश्न आने वाला है। आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे गद्यांश लिखा है संस्कृत में उसका संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखने के बाद हिंदी में अनुवाद करना है। ये प्रश्न आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो इसके अलावा अथवा में दिया रहता है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ के उसका संदर्भ लिख के उसका हिंदी में आपको अनुवाद करना रहता है, समझ में आ गया ना। इस प्रश्नों को आप तैयार करके ही बोर्ड के एग्जाम में जाए, आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये वायरल पेपर है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, इन प्रश्नों को तैयार करके बोर्ड के एग्जाम में जाना है आपको, ठीक है।
अब देखिए आपका चौथा नंबर का सवाल क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपको जो पद्यांश दिया है उसका पहले आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखने के बाद उसका हिंदी में आपको अनुवाद करना रहेगा। देखिए पहला है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। यदि यह प्रश्न आ रहा है तो इसका आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखने के बाद हिंदी में अनुवाद कीजिए। फिर इसके बीच में देखिए यहाँ पे अथवा है, यह प्रश्न आता ठीक नहीं तो आप इस प्रश्न को भी हल करके आप जा सकते हैं, इसका आप संदर्भ लिख लीजिएगा, हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है पाँचवा नंबर का। तो देखिए यहाँ पे पाँचवा नंबर में आपको देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। आपको ये कितने नंबर का रहेगा, तीन नंबर का। यहाँ पे आपको अनेकों प्रकार के प्रश्न रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ एक ही का आंसर लिखना रहेगा। तो देखिए आप देखिए जैसे हम गाजीपुर के हैं तो गाजीपुर में जो आपको हल करना रहता है यहाँ से मुक्ति दूत के रूप में ज्योति जवाहर ये आपको जो गाजीपुर के जो छात्र हैं उसको नहीं हल करना है। इसमें आपको ये मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्र कीजिए, या इसके अलावा देखिए दो प्रश्न है आपके लिए, ये है और ये, इन दोनों में से ही किसी एक को ही करना है। अगला है मुक्ति दूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखना है, तो इन दोनों में से किसी एक को ही हल करना है और सभी प्रश्नों को छोड़ देना। आप सभी को ये प्रश्न जैसे यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, ये सभी आपको नहीं करना है। समझ में आ गया ना, आपको सिर्फ ये करना है, ये मुक्ति दूत से संबंधित जो प्रश्न रहेगा वही आपको हल करना है, ठीक है। और जो अपने जिले में आप फ्रेंड्स देख लीजिएगा कौन सा आपको मुक्ति दूत या जो कौन सा आपको खंड काव्य आपको करना रहता है। समझ में आ गया ना। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए ये सभी खंड काव्य ही है, इन खंड काव्य में से जो छात्र जिस जिला में जो पढ़ाया जाता है वही खंड काव्य उनको करना रहता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक, यहाँ तक आपको देखिए अब यहाँ से छोड़ना है। अब यहाँ छठवां नंबर का प्रश्न स्टार्ट हो, पाँचवा समझ में आ गया ना, जो गाजीपुर के छात्र कौन सा करना है, तो मुक्ति दूत जो दो प्रश्न रहेगा उसमें से एक ही करना रहता है और ये सभी प्रश्नों को छोड़ देना है आपको। अगला देखिए, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ये कितने नंबर का रहेगा, पाँच नंबर का। अब देखिए पाँच नंबर का रहेगा तो इसमें से क्या करना, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें से किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उसको लिखना रहता है, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, इसको तैयार करके जाएगा, इस जीवन परिचय को आप तैयार करके जाएगा, यही पेपर में आएगा। अगला देखिए, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, यानी कि आपको देखिए तुलसीदास, राम नरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे, इन तीनों में से किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचना लिखना है। ये भी आपका कितने नंबर का रहेगा, पाँच नंबर का पेपर में आएगा। इस प्रश्न इनका जीवन परिचय आप याद करके ही बोर्ड के एग्जाम में जाएं। अगला देखिए क्या है आपका सातवां नंबर का, कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक, ठीक है, एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, कितने नंबर का रहेगा, दो नंबर का रहेगा। इसे आप याद फ्रेंड्स आपके ये प्रश्न तो एकदम तैयार करके जाइए, हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है, आपको याद करना रहता है एक श्लोक उसे लिखना रहता है, ठीक है, दो नंबर का रहेगा। इसके अलावा आठवां नंबर का देखिए क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, कितने नंबर का रहेगा, दो का देना है, दो नंबर का रहेगा। देखिए वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, आपको संस्कृत में इसका आंसर देना रहेगा, ठीक है। चलिए और प्रश्नों को दिखा देते हैं, उनमें से सिर्फ दो ही प्रश्नों को आपको करना रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए क्या है आपका, अगला प्रश्न देखिए आपका ये है नगरी, ये संस्कृत में ही, तो देखिए आपको चार प्रश्न दिया है, चार में से सिर्फ दो ही आपको संस्कृत में आंसर देना रहेगा, दो नंबर का रहेगा, समझ में आ गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, या आपका एक निबंध लिखना सात नंबर का रहेगा। आपको बेरोजगारी में अभिशाप लिखिए, या पर्यावरण प्रदूषण पर, विज्ञान अभिशाप या वरदान पर, हित सरिस धर्म नाही भाई, इन देखिए यहाँ पे चार दिया है निबंध, इसमें से एक ही निबंध जो आपको आ रहा हो अच्छे से उसी पर निबंध आपको लिखना है, जो चार सात नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका दसवां नंबर का सवाल है, ये आपका चार नंबर का रहेगा, इसको आप तैयार करके जाइए, इस सवाल के इस साल के पेपर में 100% ये सभी प्रश्न आने वाले जो बताएं आपको, ठीक है। छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, या अथवा में ये लिखने आ रहा है तो लिखिए, नहीं तो अपने मित्र को
अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देने हेतु एक पत्र लिखना था। इस प्रश्नों को, जितना भी प्रश्न आपको वायरल पेपर बताएं, इन सभी प्रश्नों को ही तैयार करके ही बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर देने जाइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।